देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75 साल हुए हैं देश की आज़ादी को और देश ने कितनी तरक्की की है उसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि 75 साल पहले एक और देश ने जन्म लिया था जिसका नाम है पाकिस्तान, उसकी क्या हालत हो गई है और हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, चांद तक पहुँच गए। तो इतनी ही बात जो है साबित कर देती है कि हमारे देश ने कितनी तरक्की की है। मोदी जी आज संसार के बेस्ट लीडर में गिने जाते हैं, उनसे लोग सलाह लेने आते हैं अपने देश की हालत सुधारने के लिए, मशवरा करते हैं मोदी जी से। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन ऐसे लोगों का सम्मान किया जा रहा है जो हमारे देश की आन बान और शान के रखवाले हैं। उसमें हमारे एक श्री समीर वानखेड़े जी हैं, इन्होंने देश को एक नया जज्बा दिखाया है जिससे कि न जाने कितने यंगस्टर्स प्रभावित हुए हैं और मुझे विश्वास है कि उसमें से अगर 20% भी लोग इनकी तरह काम करने लगेंगे तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो आज हम इनका सम्मान कर रहे हैं और क्योंकि ये देश के गौरव हैं इसलिए इनके देश का गौरव सम्मानित किया जा रहा है। There are so many youngsters I've seen up to you as an idol. There are so many young talent who are going to be police man or else they look up to you. And today is the 75th Independence Day. Tell us something about it. Firstly, I would just like to wish everybody a very very happy Independence Day. Amrut Mahotsav ke liye bahut bahut shubhkamnaen sabko. Secondly, to the youth, main ye kehna chahunga ki jo country ki development ki jo vyakhyaen hain. जो पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट अपार्ट फ्रॉम थिंग्स लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, लिटरेसी, जो यूथ का पॉपुलेशन है ये भी एक बड़ा मायना रखता है। भारत में जो हमारा स्ट्रेंथ है यूथ का स्ट्रेंथ है, तो मैं यूथ को यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि यू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर नेशनल बिल्डिंग। हम लोग हमेशा हमारी लाइफ में यूथ में भी क्रिप करते हैं कि सरकार हमें ये नहीं दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम, करप्शन का प्रॉब्लम, नेपोटिज्म का प्रॉब्लम। क्रिप करने के अलावा हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशन में, पहले ये देखिए आप कि आप क्या कर रहे हो सामने से। तो मैं ये बोलूँगा कि आप कंट्रीब्यूट कीजिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल थिंग्स, थोड़े दिन के लिए एटलीस्ट बच्चों को आर्मी, देश सेवा का एक जज्बा दिल में डालें कि क्या क्या हमारे सोल्जर्स फेस करते हैं बॉर्डर्स पे, वो हार्ड लाइफ क्या जीते हैं। एटलीस्ट तो आर्मी या फिर पुलिस या फिर पैरामिलिट्री पुलिस या फिर सिविल सर्विसेज, पब्लिक की सेवा करो आप। जनरली पब्लिक में हमारे और अधिकारियों के भी माइंड में होता है कि मैं एक IAS IPS IRS अधिकारी हूँ, लेकिन ये सिर्फ 3 शब्द हैं। सच्चाई यह है कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, यानी देश का नौकर, जनता का नौकर। तो आपका काम है सिर्फ जनता का सेवक बनना और देश की सेवा करना। तो ये सब बच्चों के दिल में, यंगस्टर्स के दिलों में ये सेवा की भावना उजागर होना बहुत ज़रूरी है। मैम, आप क्या कहना चाहोगे आज के इवेंट के बारे में? आज हमारा देश 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा है आज़ादी का, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज का ये जो सम्मान है भारत की शान, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए, क्योंकि अगर समीर वानखेड़े जैसे कर्मठ और ईमानदार ऑफिसर अपनी जान पर, तन मन धन से अगर देश की रक्षा के लिए जान पर खेलकर आगे नहीं आते तो कैसे ये इतनी बड़ी मुहिम पूरी कर पाते। उसका एक और पर्पज़ ये भी है कि समीर सर पर बहुत इल्ज़ाम लगाए गए और इसीलिए लिटो फेस्ट वो सारे इल्ज़ामों को खारिज करते हुए, जो कि कोर्ट ने भी रिसेंटली खारिज किए हैं, समीर सर ने, ही इज़ वॉकिंग विथ हिज हेड हाई राइट नाउ, उनकी इंटायर फैमिली, क्रांति जी यहाँ पर है, उनकी सिस्टर, फादर, एवरीबडी वॉज फाइटिंग बिकॉज द ट्रुथ वॉज ट्विस्टेड। सो वी ऑल वॉन्ट टू एक्चुअली थैंक हिम कि वो डिरेल नहीं हुए अपने मोटिव से, यू नो, अपने पर्पज से, और वो लड़ते रहे और अंत में सच्चाई की जीत हुई और आज हमारे सामने समीर सर खड़े हैं, उनकी पूरी फैमिली और हम सब
अपना हेड हाई करके कह सकते हैं कि एक ऐसे सच्चे ऑफिसर के साथ हमें खड़े होने का मौका मिला है। समीर जी, जिस तरह हमने कहा जो सारे इल्जाम आप पे लगे थे खारिज हो चुके हैं, पर जिस तरह से हम जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो लड़ाई है, जो सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई है, बट फैंस का अभी भी कहना है कि उस लड़ाई में कब उस इंसान को जस्टिस मिलेगा, इसका सवाल काफ़ी सालों, अब तो 2 साल हो चुके हैं सर, आपसे कई तरह से ट्वीट्स करते, काफ़ी रिप्लाई आप करते हो, बट हमें पता है कि आप ज़्यादा ट्वीट्स के रिप्लाई नहीं दे पाते हो, पर आज ये माध्यम से आप उन सारे फैंस को क्या कहना चाहोगे जिसका एक ही सवाल है कि हाल ही में हर 3 महीने में किसी की गिरफ्तारी होती है, कोई छूट जाता है बेल से, पर वो जो शख्स है जिनकी मौत 2 साल पहले हुई, उन उस शख्स को जस्टिस कब मिल पाएगा? देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ और सर्विंग ऑफिसर, तो हमारे कुछ कंडक्ट रूल्स होते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन की बातें पब्लिक में नहीं कर सकते, वी टेक दी ओथ ऑफ सीक्रेसी बेसिकली टू मेंटेन द सीक्रेसी। लेकिन जो जनरल सी बातें हैं, मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा कोशिश करूँगा समझाने के लिए कि ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं, तो एक एजेंसी कार्रवाई करती है, उसके बाद में हमारे माननीय न्यायालय भी होते हैं, कोर्ट्स भी होते हैं, तो आफ्टर टेकिंग सम एक्शन तो मामला कोर्ट में चले जाता है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों का निर्णय होता है, तो ये चीज़ पब्लिक ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उनको ये ऐसा लगता है कि एक एजेंसी है, एक अधिकारी है, तो यही सब करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। देर आर सम सिस्टम, चेक्स एंड बैलेंसेस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तो इस सिस्टम हमारे भारत में। जिस केस के बारे में आपने बात किया है, तो ऑलरेडी वो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, काफ़ी एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उस बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अनुप जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह हम लास्ट 2 साल से देख रहे हैं काफ़ी सारी चर्चा होती है, अभी हाल ही में लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की काफ़ी सारी चर्चा हो रही, आपकी क्या राय है, जिस तरह एक एक शख्स से पूरी मूवी को बॉयकॉट करना रियल नहीं है, जैसे मूवी के पीछे कैमरामैन होते हैं, लाइट्समैन होते हैं, काफ़ी सारे जन जुड़ते हैं, बट एक शख्स ने कुछ टिप्पणी की, उस व्यक्ति के लिए मूवी बॉयकॉट हो जाती है, तो एक बहुत बड़ी बात है सर, आप क्या कहना चाहोगे, जिस तरह लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट किया जा रहा है, थिएटर में कोई भी शख्स नहीं जा रहा है मूवी देखने, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पर्सनल लड़ाई जैसी है कि उन्होंने एज ए पर्सन जो बात बोली वो लोगों को नहीं अच्छी लगी, हजम नहीं हुई, तो उस कारण से उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको रोकना ठीक नहीं है। लोग ना जाने कितने लोग मिलकर एक फिल्म बनाते हैं, एक 200-250 लोग कम से कम उसमें जुड़े होते हैं, इसमें शायद उससे भी ज़्यादा हों, तो उन लोगों की सब जो मेहनत है वो सामने नहीं आ पाती। लेकिन अगर फिल्म में कोई ऐसी गड़बड़ चीज़ है जो समाज में नहीं आनी चाहिए, तो फिल्म को ज़रूर रोकना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, जाते जाते एक आखिरी, जो जिस तरह यंगस्टर्स आज की पीढ़ी, हमारी जो ग्रोइंग पीढ़ी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि हमारे यंगस्टर्स हमारा फ्यूचर है, उस सारे यंगस्टर्स को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे आप, तीनों से दो दो लाइनें हमारे यंगस्टर्स के बारे में? मैं तो एक लाइन गा के सुना देता हूँ। क्या बात है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दो प्लेज या फिर दो संदेश देना चाहूँगा। नंबर वन इज से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, और सेकेंड इज नेवर एवर टॉलरेट एंड एनकरेज करप्शन। मैं तो यही कहना चाहूँगी मैं कि आजकल बहुत कुछ चल रहा है, सोशल और डिजिटल मीडिया बहुत भ्रमित कर सकता है, लेकिन अपना रिसर्च करें बच्चे और भेड़ चाल में ना जाएं, और जो सही है उसको सही माने, क्योंकि ऐसी कुछ र्यूमर्स आ जाती है जिनके पीछे जाकर वो लोग झूठ को सच मान लेते हैं। सो बेसिकली दे नीड टू अप्लाई देयर ब्रेन्स एंड स्पेंड लेस टाइम ऑन सोशल एंड डिजिटल मीडिया एंड डू समथिंग मीनिंगफुल। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे इवेंट के बारे में?
बहुत अच्छा इवेंट स्मिता जी ने आयोजित किया और हम एक ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, तो जो कि आज के हमारे आज के शाम के असली नायक समीर जी थे हमारे, और उनका हमने सम्मान किया और उन्होंने हर जाकर बोले सांच को आँच नहीं होती है, उनका जो सच है वो तो सच सबके सामने आ गया दुनिया के साथ, और बस तो हमें जीवन में जब भी हमें आगे बढ़ना है तो हमें हर प्रतिकूलता मतलब को अनुकूल बनाना है और आगे बढ़ते जाना है, हमें कहीं रुकना नहीं है कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। सर आप क्या कहना चाहोगे आज के दोस्तों? सबसे पहले आप लोगों को 75वां आज़ादी का दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। दो तीन चीज़ दिमाग में आज के दिन आती है, खासकर मंजू जी मेरे बिल्कुल बाजू में खड़ी हैं, इनसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं कर सकता है। बस जस्ट वन मिनट है, जस्ट वन मिनट प्लीज़, वन मिनट, इनसे बेहतर कौन बोल सकता है। आज़ादी का ये दिन जिसको हमने तिरंगे को फील किया, 25 साल गए, 50 साल गए, बस उस तिरंगे का फील 75वें भी हुआ, बहुत अद्भुत फीलिंग है। हम या आप जब 100 वर्ष हिंदुस्तान मनाएगा रहे ना रहे, लेकिन ये यूथ जो एक मैसेज लेके चल रहा है आज की तारीख में, अद्भुत हो, अद्भुत। मैं मान के चलो तिरंगे का जो एक एहसास है अपने आप में, नमन करता हूँ मैं। मोदी जी जो ये मुहिम लेके चल रहे हैं, अमेजिंग इज द कॉन्सेप्ट। बात करें आज के शाम की, इस ऑफिसर को जो आज हमारे साथ बैठे थे वांकड़े साहब, जो हार्डशिप्स इन्होंने फेस की उसके बाद उससे उभर के निकलना अपने आप में काबिल तारीफ है। उन्होंने दो तीन चीज़ दोहराई, एक उन्होंने कहा देश हमको सब कुछ दे रहा है, हम देश के लिए कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये अगर थॉट हम आज के यूथ में इंकल्केट करें कि भाई देश हम ने हमको सब कुछ दिया, हमने देश को क्या दिया, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा जीडीपी के बारे में, मुझे मेरी एक अलग फीलिंग है जीडीपी के बारे में, जिस दिन मेरे देश में कोई भूखा नहीं सोएगा ना, उस दिन जीडीपी अपने आप सुधर जाएगा। तो दैट्स अ कोर फीलिंग। तीसरा नेवरदलेस वन मोर थिंग जो मेरे दिमाग में भी आई, उन्होंने कहा आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग हम बच्चों को सबको देनी चाहिए। ये अपील करता हूँ मंजू जी को मैं, अगर लोढ़ा साहब सुने इस बात को कि ये कंपलसरी कर दें स्कूल्स में, आज कॉलेजेस में, कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए इसका, अपने आप यूथ सुधर जाएगा। और मेरा तो ये भी मानना है कि हमें जगह जगह चौराहे पर अपने सैनिकों के है ना पुतले लगाने चाहिए, ताकि उनको देखकर उनके बारे में नीचे लिखा होना चाहिए, ताकि उनको देखकर अपना यूथ सीखे कि जो हम आज जिस आज़ाद भारत में सांसें ले रहे हैं उनके पीछे कितने लोगों का त्याग है, बलिदान है। और जो आज ये जो है ना हर घर तिरंगा, इसका मतलब क्या है ना, हर घर तक एक देश प्रेम का जज्बा फैल गया। मोदी जी की दूरदर्शिता कितनी बड़ी है, उनकी सोच कितनी बड़ी है कि हर घर में तिरंगा गया और कपड़े का तिरंगा गया। अभी तो क्या प्लास्टिक और कागज के तिरंगे हम फेंक देते थे, हमारे तिरंगे का अपमान होता था जो हमें करने का कोई हक नहीं था, लेकिन आज इस तिरंगे को हम जैसे हम अपनी एक अनमोल चीज किस तरह से कवर्ट में रखते हैं सुरक्षित, वैसे ही हम हमारे इस तिरंगे को अंदर रखेंगे और हर बार इसको लहराएंगे। तो ये हमारा मतलब तिरंगा हमें बहुत कुछ, तिरंगा है तो हम हैं, सच कहती हूँ, ये हमारी पहचान है, हमारा गर्व है, आन और बान और शान है हमारे भारत की। तो इस तिरंगा को हम नमन करते हैं और पूरे जो भी सुन रहे हैं और आप सबको, सभी श्रोताओं को मैं अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।